वेलकम टू माय चैनल, मैं वैलरी निमा। तो चलिए आज बनाते हैं तंदूरी चिकन। बिना तंदूर के बनाते हैं, हर किसी के पास ओवन या तो तंदूर नहीं रहता, तो हम इसे गैस पे बनाते हैं, बट सेम टू सेम तंदूर वाला टेस्ट आ जाएगा। बनाते हैं चिकन टिक्का। बट प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं रेसिपीज बनाऊँ आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक बोल लेते हैं, उसमें डालते हैं आधा कप दही। उसी के साथ ऐड करते हैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। ये होममेड तंदूरी मसाला है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए। ये मसाला मैंने खुद बनाया है, तो और भी बाकी सारे मसाले आपको देखने मिलेंगे। तो ये है तंदूरी मसाला, मैंने करीब 3 बड़े चम्मच लिए, आप अपने अंदाज से लिए, आपका जितना चिकन का क्वांटिटी है वो हिसाब से लीजिए। इसे मैं ऐड करती हूँ। इसके साथ हम डालते हैं नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसके बाद मैं डालती हूँ राई तेल, मस्टर्ड ऑयल 2 से 3 छोटे चम्मच। उसी के बाद मैं डालती हूँ 2 टीस्पून विनीगर, व्हाइट विनीगर लिया मैंने। अगर आपके पास व्हाइट विनीगर नहीं है तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से फेटिए, दही एकदम और मसाले एकदम से मिलने चाहिए, तो इसे अच्छे से फेटिए। हम ऐड करते हैं इसमें चिकन। ये चिकन मैंने करीब 1.25 किलो लिया था, बोनलेस चिकन है। इसे मैंने हल्के क्यूब्स में, अपने बड़े छोटे साइज में, आपके अंदाज से आप काटिए और इसे इसी में ऐड कीजिए। चिकन को, सारे 1.25 किलो चिकन को ये मैरिनेशन मसाले में ऐड कीजिए और अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे करीब आधा घंटे के लिए, 30 मिनट। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसे लेड हटा रही हूँ इसका, और इसे फिर से एक अच्छे से मिक्स करते हैं। अब लेते हैं ग्रिलिंग पैन। अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन नहीं है तो आप नॉर्मल फ्राई पैन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल थोड़ा मैं ज्यादा डाल रही हूँ, और इसे फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद मैं चिकन फ्राई करूंगी, और जब चिकन फ्राई करने जाएगा पैन के अंदर, इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। चिकन को अच्छे से पकने दीजिए। एक साइड चिकन पकने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे, इसे अच्छे से फ्लिप करेंगे और दोनों साइड अच्छे से पकाएंगे। एकदम गोल्डन कलर का जो कलर आता है ना, वो होना चाहिए। तो उसके बाद हम पकने के बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। चिकन हमारा फ्राई करके हो चुका है, अभी हम सारे इसे साइड में लेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे के स्टेप की ओर। अभी एक कोयले का टुकड़ा है मेरे पास, उसे मैं गैस के ऊपर अच्छे से गर्म होने दूंगी। जब तक गर्म हो रहा है, हम ये सारे चिकन को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। आप कोई भी बोल ले सकते हैं, ग्लास का या तो कोई भी वेसल ले सकते हैं। इसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे, कटोरी में जो कोयला हमने जलाया है उसको रखेंगे। एक कोयले के ऊपर हम डालेंगे करीब 1 टीस्पून जितना घी डालेंगे, आप कोई भी घी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद हमें थोड़ा भी वेट नहीं करना है, इसके ऊपर इमिडिएटली प्लेट रखनी चाहिए, और कोई भी वजनदार चीज हो तो आप रखिए, ताकि इसका जो स्मोक है बाहर ना निकले, इसमें जो चिकन में जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो इसमें बना रहे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी इसके ऊपर जो प्लेट रखी थी मैंने उसे हटा रही हूँ, और देखिए कितना एकदम स्मोकी, एकदम टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना। चलिए अब हम एक कटोरी को निकाल देते हैं और प्लेटिंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारी प्लेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसे मैं सर्व कर रही हूँ टोस्ट ऑनियन के साथ और हरी चटनी के साथ। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, आप चाहे तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी प्लेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय।